हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। वैसे सुबह मैंने मान्या को स्कूल भेजने के बाद अपने किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं लेकिन थोड़ा ऊपर का ही थोड़ा सेट किया था। तो किचन की डीप क्लीनिंग तो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, तो अभी क्या आता है ना, जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो सामान ना वहीं पर आके रख देते हैं और फिर मतलब आलस में उठाते नहीं हैं। तो आज मैंने सोचा कि सारी चीज़ें उनकी जगह पे सेट कर देते हैं। माइक्रोवेव तो यूज़ होता ही है, उसके ऊपर इतना सामान इकट्ठा हो जाता है, कुछ कुछ करके मैं रखती जाती हूँ। तो आज ना मैंने सब कुछ हटाना है इससे। तो ये एक बास्केट सा है, उसमें मैंने ना जो भी मिर्च आती है ना डेली हरी मिर्च, उसको रखते जाते हैं वो लाल हो जाती है, सूख गई है, तो उसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इसकी डंडी हटानी है, डंडी हटा के ना इसको मुझे घर में ही मिक्सी में पीसना है। मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके उनकी जगह पर रख दिया है। और ये मेरा फ़ोन का चार्जर है जिसे मैं मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पर लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी आसानी होती है यहाँ पे चार्ज करने में, तो मैं यहीं लगा रहने देती हूँ। और नाइट लैम्प भी इसी से चार्ज होता है, तो वो भी यहाँ से चार्ज होता रहता है। एक काम मुझे और करना है, किचन में जितने भी मेरे सामान है ना, माइक्रोवेव हो गया और एयर फ्रायर है, फ्रूट प्रोसेसर, मिक्सी और जूसर, इन सब के लिए ना मुझे एक अच्छा सा कपड़ा लेके ना सिलना है, इन सब का कवर सिलना है। क्योंकि किचन में इस तरह से रखा रहता है ना, तो उनमें कुछ नहीं डालो तो बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ उसमें डाल के रखती हूँ। तो अभी ना इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रही हूँ कि कोई कपड़ा लेके आऊँ और फिर इनकी ना सारी अच्छे से सिलाई कर दूँ। मेरी अम्मा भी नहीं आ रही हैं तो सारा काम मुझे ही पड़ जाता है, तो और भी थोड़ा सी थकान भी हो जाती है, इस चक्कर में थोड़ा सा ना आलस आ जाता है, कुछ चीज़ें छोड़ ही देते हैं। तो अभी वो आ जाएगी ना, थोड़ी रिलैक्स फील होगा, तो और भी काम करने, मतलब जो मेरे काम है वो करने में थोड़ा सही रहेगा। मेरी किचन में एक्चुअली एग्जॉस्ट है और चिमनी नहीं है, इसलिए सामान ना चिकटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए ना मैं और भी सब चीज़ों को कवर्ड करके रखती हूँ कि ये चीज़ें ख़राब ना हो। और यदि चिमनी होती है ना तो ये चीज़ें थोड़ा सा ये रहता है ना कि जितनी भी वो तेल वगैरह का जो झाग होता है ना वो आराम से हट जाता है, वो बर्तनों में या फिर और सामान में चिकटने के उसमें कम चांसेस होते हैं। तो इस वजह से ना मैं और सबको ढक के रखती हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से कवर करने के बाद भी चीज़ें काफ़ी गंदी हो गई हैं। और ये नीचे ड्रॉअर है जिसमें काफ़ी टाइम से डिब्बे रखे हुए, मैंने चेक भी नहीं किया, तो उन्हें भी चेक कर लेते हैं, हटा देते हैं जो यूज़ का नहीं है, और इसमें से ना ऊपर से सामान नीचे शिफ्ट कर देंगे। और इसमें पेपर वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना चूहे हो जाते हैं बीच बीच में। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि चूहे ना आ पाए, और आ भी जाता है ना तो मैं उसे पूरा भगा देती हूँ, लेकिन जब हो जाते हैं ना तो थोड़े टाइम तो परेशान करते हैं ना, तो इसने पूरा पेपर काट दिया है और अंदर पूरी गंदगी फैला दी है। तो इसे ना रैक हटा के पूरा सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद पूरी सफाई करके डिब्बे लगाने पड़ेंगे। किचन क्लीन करने के बाद अब मैं पूरे घर के झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो ये मैं डोर मैट वगैरह सब साफ करके उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ। पापा तो मना करते हैं कि डेली पोछा मत लगाया करो, झाड़ू कर दिया करो, साफ रहता गंदा रहता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आदत रहती है ना कि डेली झाड़ू पोछा हो जाए फिर समझ में आता है कि हाँ नहीं अब घर साफ हो गया है। तो वो मेरी डेली रूटीन में, मेरी आदत में शामिल है, तो मैं झाड़ू पोछा ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर ऐसा लगता ना कि अभी घर गंदा है। और सारा काम करने के बाद अब मैं नहा धो के पूजा वूजा करके आ गई हूँ किचन में। और पापा जी का तो बीच में चलता रहता है, फ्रूट्स है, चाय है, ये सब दे दिया। और नाश्ते में मैंने तो कुछ नहीं अभी बनाया था, कल का एक्चुअली कल मैंने इडली और सांभर बनाया था, तो वो थोड़ी सी रखी हुई थी तो वो गर्म करके हम लोगों ने नाश्ते में कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने, तो खाने में आज है करेले का भरवा बनाएंगे और दाल चावल रोटी चटनी और पना। तो हम चलते हैं, मन ने के आने के पहले खाना तैयार कर लेते हैं। तो खाना मैंने बना लिया है और अब मैं जा रही हूँ सबको देने। ये देखिए मैंने करेला बनाया है, दाल है, पन्ना और चटनी। तो अभी हम दे आते हैं सबसे पहले पापा को, ये काम चेतन कर देंगे देने आना। Bye guys. और मान्या भी स्कूल से आ गई है तो उसको मैंने दाल पिला दिया है। एक्चुअली वो खाने के साथ ऐसे दाल चावल और रोटी इस तरह नहीं खाती है, उसको हम दाल पहले पिला देते हैं फिर रोटी सब्जी खा लेती है और फिर चावल घी नमक खा लेती है। फ्रेंड्स अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो गया है, मतलब धूप चली गई है और बादल आ गए हैं। बस उम्मीद ये करते हैं कि बारिश हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, बस बादल आके चले जाते हैं। जैसे ही बादल आए ना तो आंधी बहुत तेज आई थी, तो मेरे जो एक पेड़ है ना वो एकदम नीचे लटक गया था, तो मैं उसको सही कर रही थी कि वो सही हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि उसकी डालें टूट जाए। और काफ़ी दिनों के बाद मौसम ऐसा हुआ है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला मौसम देख के, मतलब अब तो लग रहा है कि बारिश हो ही जाए। आज मैं बगिया में नहीं आई थी तो देखिए हालत क्या हो गई है, बंदर आए और उन्होंने सारा सामान पूरा फैला दिया है।
और इधर ना सब गमले उमले सब फेंक जाते हैं। इसी चक्कर में तो हम लोग अपने बगिया का पूरा यूटिलाइज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी बंदर आते हैं तो सब कुछ तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। कोई पौधा होगा उसको ऐसे उखाड़ देंगे, कुछ भी लगा होगा उसको काट के फेंक देंगे। तो इसी वजह से हम लोग गार्डनिंग उस तरह से यूज़ नहीं कर पाते कि इसमें सब्जियाँ वगैरह लगा लें, फिर थोड़े से ना ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पौधे ही लगा पाते हैं। और मैं सोच ही रही थी, और वैसे ही देखिए बारिश होने लगी, अब अच्छा लग रहा है मौसम, मतलब ठंडा लग रहा है। वरना क्या होता है ना कि बादल तो आ जाते थे लेकिन बादल फिर चले जाते थे, और अभी बारिश शुरू हो गई है। ये आखिर हम लोग की दुआ कबूल हुई। आप लोग के यहाँ पता नहीं छाता का यूज़ कैसे किया जाता है, मेरे यहाँ पे इस तरह से किया जाता है, क्योंकि छाता का यूज़ और है नहीं। तो मान्या जब भी बारिश होती है तो इस तरह से लेके आगे खड़ी हो जाती है। जिधर बारिश हो रही इधर जाओ ना तुम, तो पेड़ के नीचे खड़ी हो। अमेज़न से कुछ सामान ऑर्डर किया था कई दिन पहले, तो वो आज जाके आया। देख लेते कि क्या क्या सामान आया और क्या बचा हुआ है। बिस्कुट हियर, इसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा है, क्या हो सकता है बता, जल्दी बता। मेरी तरफ से 6 थम्स अप। ओह, इसको तो पी भी नहीं सकते। सारा सामान हमारा आ गया अमेज़न से, अब हम इसको सेट करते हैं अपने ग्लॉसरी टंकी में हम रखते हैं। डब्बा नहीं होता, डब्बा नहीं, टंकी में सारा स्टोर कर देते हैं, फिर उसे निकालते रहते हैं, सही होता है। और बारिश में सबके यहाँ पकौड़े खाए जाते हैं और मेरे यहाँ पे पॉपकॉर्न खाया जाता है। तो सबका मन कर रहा है पॉपकॉर्न खाने का, तो मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रही हूँ सबके लिए। आज हम खाएंगे पॉपकॉर्न चीज वाले। थर्टी डेज 30 ब्लॉग जो चैलेंज था उसका ये पहला ब्लॉग है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है इसे लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब करिएगा तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।